हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड यूनिट 3 आवर सोलर सिस्टम एक्टिविटी 6 रीड द फॉलोइंग स्टोरी। बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी दी है, उसे हमें रीड करनी है। स्टोरी किसके बारे में? द एंट एंड द डव। किसके बारे में बच्चों? एंट और डव के बारे में। हम पहले कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स गर्गल्ड, टू मेक साउंड फ्रॉम थ्रोट यानी कि गले में से आवाज़ निकालना, पैनिक और फीलिंग वरी और नर्वस यानी कि परेशान हो जाना, आप कहीं पे फंस गए हो और आप जैसे डर जाते हो वो, टाइनी वेरी स्मॉल इन साइज यानी कि बहुत छोटा, ड्रॉन टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर टू लॉन्ग एंड यू कैन नॉट ब्रीथ यानी कि पानी में बहुत देर तक नीचे रहना जिसकी वजह से आप ब्रीथ नहीं कर सकते, आप की मौत हो सकती है। कू अ सॉफ्ट साउंड मेड बाय डव और पिजन यानी कि पिजन या फिर डव का साउंड। ग्लिड टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली यानी कि चुपचाप आसानी से वहाँ से चले जाना यानी बाहर आना। अब हम स्टोरी देखेंगे। ऑन हीज वे होम एंड एंड सो अ स्पार्कलिंग फाउंटेन ही क्राउल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। एक दिन अपने रास्ते में एक एंट जा रहा था, उसने क्या देखा है? स्पार्कलिंग फाउंटेन। देखो यहाँ पे ये है फाउंटेन, और वो उसकी वॉल पे चलने लगा क्योंकि वो उसे नज़दीक से देखना चाहता था। Suddenly he slipped and fell into the water. He gurgled and panicked and waved his leg in the air. क्या हुआ? वो पानी में गिर गया, तो वो बहुत डर गया था और अपने गले में से आवाज़ निकालने लगा और वो अपने पैर है उसे हिलाने लगा जैसे कोई उसकी मदद कर सके। Help! I can't swim. He cried. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. क्या हुआ? वो चिल्लाने लगा कि कोई मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं सकता, और वो रोने लगा था। तभी अच्छी बात होगी कि वहीं से एक फ्रेंडली डव है वो पास हो रहा था। She showed that the tiny ant was droning and quickly flew to a nearby tree. क्या हुआ? वो उसे छोटी सी एंट को देखा था, वो एंट को देखा तो वो जल्दी से पास के ट्री के पास फ्लू कर कर चला गया। सी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लिड डाउन टू द एंट और उसने पता है उसे तोड़ दिया और उसे बिना कोई आवाज़ किए एंट के पास दे दिया। Here you are, see, put and flew away. फिर से कहा कि तुम बाहर आ सकते हो और उसने क्या किया? उसे यानी कि डव ने एक अपनी आवाज़ निकाली और वो वहाँ से उठ कर चला गया। Rewrite the story. Imagine you are the ant and you are telling the story. क्या करना है आपको? स्टोरी है वो वापस लिखनी है और आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप एक एंट हो और ये स्टोरी आपको बतानी है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7। यहाँ पे अब एक्टिविटी 7 देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज अरेंज द प्लैनेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। क्या करना है? यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसे हमें केयरफुली रीड करना है और साइज के हिसाब से हमें सारे प्लैनेट्स को अरेंज करना है। पर कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि बड़े से छोटा। द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 8 प्लैनेट्स। मर्क्यूरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट्स है सारे प्लैनेट्स में से। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसकी साइज कम हो गई और सबसे छोटा यानी कि लास्ट में वहाँ पे दिया है मर्क्यूरी। द जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है तो वहाँ पे लिखेंगे जुपिटर। बच्चों यहाँ पे कोई ने हमें वो लिख दिया है जैसे कि सैटर्न
यहाँ पे नेपच्यून, यहाँ पे वेनस और यहाँ पे मर्क्यूरी। नेक्स्ट द वेनस इज द सिक्स इन साइज। वेनस है कौन से नंबर पे? सिक्स नंबर पे। चलो काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये है सिक्स पे वेनस। द अर्थ इज द फिफ्थ। फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? अर्थ। तो फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे अर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आएगा फिफ्थ पे अर्थ। अब लिखेंगे अर्थ। नेक्स्ट द यूरेनस इज बिगर देन द नेपच्यून। यूरेनस है वो नेपच्यून से बड़ा है, तो जहाँ पे नेपच्यून है उससे बड़ा है वहाँ पे लिखेंगे यूरेनस। तो ये नेपच्यून है उससे बड़ा ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूरेनस। नेक्स्ट द मार्स इज स्मॉलर देन वेनस। मार्स है वो वेनस से छोटा है, तो वेनस है उसकी से छोटा है, उसके आगे वहाँ पे लिखेंगे मार्स। देखो सारे प्लैनेट्स के नाम है वो ऑरेंज हो गए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मर्क्यूरी। नेक्स्ट एक्टिविटी 8, रीड एंड सोल्व दिस राइडल्स। अब यहाँ पे क्या करना है? रीड करना है और राइडल्स को सोल्व करना है। नंबर वन, व्हाट डिड द ट्री से व्हेन इट कुडंट सोल्व द राइडल। ट्री है वो क्या कहता था जब वो कोई राइडल सोल्व नहीं कर सकता? आई एम स्टम्प्ड, तो ये आंसर होगा। नंबर टू, वेयर डू क्रेजी प्लांट्स ग्रो। क्रेजी प्लांट्स है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? इन अ क्रैक पॉट्स, यानी कि क्रैक पॉट्स। नंबर थ्री, हुज द मोस्ट बोरिंग एलिगेटर, यानी कि क्रोकोडाइल। तो बोरिंग एलिगेटर है वो कौन है? क्रोकोडाइल। डल यानी कि जैसे कुछ समझ में नहीं आता है वो। नंबर फोर, व्हाट वुड यू गेट इफ यू क्रॉस्ड अ रैबिट विथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप क्या फाइंड करोगे अगर आप रैबिट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ क्रॉस करोगे? तो आएगा अ बनी विथ फ्लोपी ईयर्स। तो फ्लोपी है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्लोपी डिस्क। नंबर फाइव, व्हाट डज अ बी यूज फॉर शेविंग। हम शेविंग, सॉरी बी है वो शेविंग के लिए क्या यूज करती है? अ ब्लेड ऑफ ग्रास। शेविंग के लिए किसका यूज होता है? ब्लेड। तो इसका आंसर होगा ब्लेड। नंबर सिक्स, व्हाट शी क्रिएचर इज फाउंड इन एवरी कार। अ स्टीयरिंग व्हील, सॉरी व्हील। सी क्रिएचर कौन सा है? व्हील। और कार में क्या आएगा? स्टीयरिंग व्हील। तो ये स्टीयरिंग व्हील, व्हील और व्हील है उसे एक दिया है, उसे रेडल बनाया है। नंबर सेवन, व्हाट इज अ माउस फेवरेट गेम। माउस का फेवरेट गेम कौन सा है? हाइड एंड सीक। सीक यानी कि माउस की ऊंचे, सीक। हाँ हाँ हाँ, ये सारी रेडल सी आप इसे एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।